और एक और बड़ी खबर है महेंद्रगढ़ से, जहां पर इंडियन गैस के टैंकर का संतुलन बिगड़ गया। गाड़ी पलटने से गैस का रिसाव शुरू हो गया। इंडियन गैस का ये गैस टैंकर बताया जा रहा है। अब मौके पर पुलिस अधिकारी पहुंचे हैं, बड़ी खबर है। इसके अलावा दमकल विभाग की टीम को भी मौके पर बुलाया गया है। तो इंडियन गैस टैंकर का संतुलन बिगड़ने की वजह से पलट गया और उसके बाद गैस लीक होने लगी। तो ये बड़ी जानकारी महेंद्रगढ़ से। हालांकि फायर ब्रिगेड को उसकी सूचना दी गई है, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची हुई हैं। ठीक है, तस्वीरें आपको दिखाते हैं किस तरीके से ये इंडियन गैस का गैस टैंकर है, इसका संतुलन अचानक से बिगड़ा और उसके बाद ये हाईवे पर ही पलट गया। अब मौके पर पुलिस अधिकारी पहुंचे हुए हैं जो कि जाँच भी कर रहे हैं इस घटना की, और फायर ब्रिगेड को भी सूचना दे दी गई है क्योंकि गैस का रिसाव हो रहा है, जो जानकारी फिलहाल सामने आई है। महेंद्रगढ़ से तस्वीरें आई हैं जहां पर इंडियन गैस का ये गैस टैंकर है असंतुलित होकर के बताया जा रहा है कि ये पलट गया है, जिसके बाद गैस का रिसाव शुरू हो गया। पहले सूचना तत्काल पुलिस को दी गई है, फिर फायर ब्रिगेड की टीम भी मौके पर पहुंची है। गैस का चूंकि रिसाव हो रहा था, इसलिए उसको बंद करने का जो प्रयास है वो किया जा रहा है। तस्वीरें दिखा रहे हैं मेन हाईवे पर, आप देखिए किस तरीके से संतुलन बिगड़ने के कारण गैस टैंकर है इंडियन गैस का, जो कि असंतुलित होकर के पलट गया। ये बड़ी जानकारी महेंद्रगढ़ से, इंडियन गैस का टैंकर संतुलन बिगड़ने के कारण पलट गया है। गाड़ी पलटने से गैस का रिसाव शुरू हो गया। मौके पर पुलिस अधिकारी और दमकल की टीम पहुंची हुई है। अब गैस का रिसाव हो रहा है, उसको बंद करने के प्रयास फिलहाल अभी दमकल की टीम के द्वारा किए जा रहे हैं। महेंद्रगढ़ से ये बड़ी खबर है, इंडियन गैस का ये गैस टैंकर बताया जा रहा है जो कि पलट गया है। तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, लगातार हाईवे पर ही असंतुलित होकर के पलट गया। पलटने के बाद गैस रिसाव शुरू हो गया। तत्काल जो सूचना है वो फायर ब्रिगेड और पुलिस को दी गई है। मौके पर फायर ब्रिगेड के कर्मचारी भी पहुंचे हुए हैं, पुलिस भी मौके पर मौजूद है। अब चूंकि गैस रिसाव हो रहा है, इसलिए एहतियातन इसको अभी फिलहाल रोकने का जो प्रयास है वो किया जा रहा है, लेकिन बीच सड़क पर ही ये गैस टैंकर है वो पलटने की वजह से गैस का रिसाव आप देख रहे हैं कि हो रहा है। तो ये बड़ी जानकारी है महेंद्रगढ़ से, इंडियन गैस का ये टैंकर है जो कि असंतुलित होकर के पलटा है और गाड़ी पलटने से गैस का रिसाव शुरू हो गया है। मौके पर पुलिस अधिकारी पहुंचे हुए हैं, बड़ी खबर है। दमकल विभाग की कई टीम है जो कि मौके पर पहुंची हुई है और प्रयास किया जा रहा है कि जो गैस रिसाव हो रहा है उसको रोका जाए। बड़ी खबर महेंद्रगढ़ से, इंडियन गैस का टैंकर है संतुलन बिगड़ने की वजह से पलट गया। बीच हाईवे पर ही गैस टैंकर के पलटने की वजह से अफरा तफरी भी मच गई। सूचना मौके पर दमकल को और पुलिस को दी गई है। सौरभ हमारे साथ जुड़ रहे हैं जानकारी के साथ। सौरभ, महेंद्रगढ़ में इंडियन गैस का एक टैंकर है जो कि असंतुलित होकर के पलट गया, क्या जानकारी है अभी फिलहाल? देखिए, मैं बताना चाह रहा हूँ कि ये इंडियन जो महेंद्रगढ़ का नेशनल हाईवे 148 भी है, उसके पास एक गांव पड़ता है, गांव नांगल नूनिया बोलते हैं उसको। उसके पास गुजरात से सोनीपत का एक इंडियन गैस का टैंकर जा रहा था, जो कि उसका संतुलन बिगड़ गया और वो पलट गया, जिसके कारण वो गैस का रिसाव शुरू हो गया, चारों तरफ गैस की दुर्गंध भी फैल गई। इसको देखकर आसपास के लोगों में भय भी थोड़ा उत्पन्न हो गया और मौके पर पुलिस व फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंच चुकी हैं और अलर्ट मोड पर है। जी चलिए सौरभ, बहुत शुक्रिया इस बातचीत और जानकारी के लिए।